नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रिक्वेस्टेड वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना के दिखाऊंगी आपको मूंग दाल नमकीन, वो भी बिना फ्राई किए हुए। ऐसा रेसिपी मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, लेकिन बहुत कोई फ्रेंड्स हमारे रेसिपी को अच्छे से समझ नहीं पाए और उनका जो मूंग दाल नमकीन है अच्छे से खस्ता नहीं बन पाया। तो आज मैं इसमें सारे प्रूफ आपको दूंगी कि ये मूंग दाल नमकीन कितना खस्ता बनता है। तो यहाँ पर दाल को अच्छे से 2 से 3 बार धो के साफ करके और आपको 6 से 7 घंटा पहले पानी में डालना है फूलने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, दाल को अच्छे से धो के ले ली हूँ साफ करके। अब क्या करना है कि दाल के अंदर हमें डालना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसे बोलते हैं वो डालना है। तो थोड़ा सा 2 से 3 चुटकी जितना इसमें डाल दीजिए। देखिए कैसे ये बबल्स आने लगा है इसमें। और जैसे ये आप दाल में डाल के फूलने के लिए छोड़िएगा तो आपका दाल जो है एकदम हल्का हो जाएगा, यानी अंदर तक एकदम खस्ता जैसा हो जाएगा, फूल के उसका साइज बहुत ही बड़ा बड़ा सा हो जाएगा। और जब आप दाल के नमकीन को बनाएंगे तो वो खस्ता बनेगा, क्योंकि इसे बिना फ्राई किए हुए बनाऊंगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप मूंग दाल नमकीन बना के रख सकते हैं। चाहे तो आप इसे पूरे रात के लिए छोड़ दीजिए, और आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 6 से 7 घंटा इसे ज़रूर फुलाइए, जिससे कि दाल एकदम अच्छे से फुला होना चाहिए। दाल जरा सा भी कड़ा रहेगा तो आपका जो दाल नमकीन है वो खाने में हल्का नहीं लगेगा, टाइट सा लगेगा, कड़ा कड़ा सा लगेगा। दाल हमारा बहुत अच्छे से फूल चुका है, देखिए फूल के एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब क्या करना है कि इसे फिर से साफ पानी से हमें धो के लेना है। 2 से 3 बार इसका पानी को चेंज करके अच्छे से साफ कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो मीठा सोडा डाला है उसका फ्लेवर इसमें से बिल्कुल हमें हटा देना है, इसमें फ्लेवर नहीं छोड़ना है। तो इस तरीके से मल के 2 से 3 बार पानी चेंज करके और इसका पानी निकाल के लेके आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ क्या करना है इसका। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी बनाई हुई रेसिपी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अब दाल में से जो एक्स्ट्रा पानी था उसे अच्छे से निकाल के ले ली हूँ। अब हमें दाल को 1 घंटे के लिए पंखे के हवा में डालना है सूखने के लिए। जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है, जो आप छूते हैं दाल को और आपके हाथ में दाल चिपकता है, इतना देर आप सुखाइए कि आप इसे टच करें तो आपके हाथों में ये दाल चिपके ना। तो यहाँ पर मोटा सा आप तौलिया ले सकते हैं, इस पर क्या होता है कि बहुत जल्दी दाल हमारा ड्राई हो जाता है। और इस तरीके से फैलाते हुए सारे सूती कपड़ा आप कोई भी ले सकते हैं, और पंखे के हवा में ही इसे सुखाना है, इसे धूप में नहीं डालना है। एक एक अच्छे से मैं समझा देती हूँ एक एक बात, और आप लोग एक एक स्टेप को इसी तरीके से करके और बनाइए, और आपका दाल नमकीन बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगा। जो कोई फ्राइड नहीं खाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे डाल देती हूँ पंखे के हवा में आराम से सूखने के लिए। जब तक हमारा दाल सूखेगा तब तक इसमें जो मसाला जाएगा चटपटा सा, उसे तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए मसाले में क्या डालना है आपको दिखाती हूँ। ऐसे मूंग दाल नमकीन में बहुत ज़्यादा मसाला सा नहीं होता है, जैसे आप बाज़ार से लेके आए होंगे तो देखे होंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा मसाला डालना है तो आप इस तरीके का मसाला बनाएं। तो यहाँ पर ली हूँ चुटकी भर हल्दी पाउडर, इसमें डालना है हमें स्वाद के अनुसार नमक, और इसके साथ ही इसमें हमें डालना होगा थोड़ा सा अजवाइन। अब जितना हमारा मूंग दाल का नमकीन है उतना मसाला, और बहुत कम मसाला आप जब बनाते हैं तो वो पिस नहीं पाएगा, इसके लिए थोड़ा थोड़ा मसाला आपको डालना ही होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर अमचूर पाउडर डाली हूँ, आप अमचूर पाउडर के जगह चाट मसाला का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास अभी चाट मसाला ख़त्म था तो अमचूर पाउडर ही डाली हूँ। और चुटकी भर इसमें डाली हूँ हींग, हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, कोई भी नमकीन में ये ज़रूर डाला जाता है। अब यहाँ पर डालना है हमें मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। सारे मसाले में थोड़ा सा जीरा भी डाल देती हूँ, जीरा का भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है।
तो फ्रेंड्स आप चाहें तो मसाले को थोड़ा सा तवा पे गरम करके भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डालिए, ताज़ा मसाला का फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है। जब हमारा नमकीन गरम रहेगा उसके ऊपर ही मसाला डालूंगी तो ये अच्छे से पक जाएगा। अब इसमें डालना है हमें आधा चम्मच के जितना चीनी, तभी इसका फ्लेवर खट्टा मीठा सा आएगा। अब सारे मसाले को मिक्स करने के बाद इसे मिक्सर जार में डाल के और अच्छे से थोड़ा बारीक कर लेना है। इससे क्या होगा कि मसाला हमारे नमकीन के ऊपर बहुत अच्छे से चिपकेगा और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले पिस चुके हैं और देखिए ढक्कन में इसका कितना सारा पाउडर लगा है, तो इसे भी अच्छे से निकाल लें चम्मच से। तो फ्रेंड्स आपको बेक्ड बिस्किट बनाने हैं, जैसे कि गेहूं के आटे की बिस्किट आप बना के घर में रखना चाहते हैं, नान खटाई बनाना चाहते हैं, तो सारे तरीके की रेसिपी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आपको यदि वीडियो का लिंक चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से गेहूँ के आटे की बिस्किट बना के दिखाई हूँ, एकदम घर में पड़े कुछ सामानों से, और खाने में बहुत ही अच्छा बना था और बहुत ही ज़्यादा खस्ता बना था। तो कढ़ाई में ही आप बिस्किट बना कर रखना चाहते हैं तो आप हमसे वीडियो का लिंक ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इसे छन्नी में डाल के छान लीजिए, जो इसका मोटा वाला मसाला रह गया उसे हटा लीजिए और ये बारीक वाला मसाला हमें नमकीन में यूज करने हैं। अब आप इसमें कितना मसाला डालना चाहते हैं आप अपने पसंद से थोड़ा सा भी डाल के खा सकते हैं, बाकी का बचा हुआ मसाला आप रख लें, किसी भी चिप्स के ऊपर नमकीन के ऊपर डाल के यूज कर लें। अब हमारा दाल भी सूख चुका है, देखिए जब इसे टच कर रही हूँ तो बिल्कुल भी ये हाथ में चिपक नहीं रहा है, तो इतना ही इसे सुखाना है। ऐसे ही आपको दाल को सुखा के लेना है, बहुत ज़्यादा एकदम धूप में नहीं डालिएगा, नहीं तो ये अच्छा नहीं बनेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर चढ़ा ली हूँ पैन को चूल्हे पर, पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हमें डाल देने हैं सारे दाल को। और इसे लगातार चलाते हुए भूनना है, शुरू में आपको गैस की आँच को तेज रखना है। तेज आंच पे भूनने से क्या होता है, इसका दाना जो है ना, नमकीन का दाना, वो बड़ा बड़ा सा बनेगा, फुला फुला सा बनेगा। जब तक इसमें पानी का अंश है तब तक इसे अच्छे से चलाते रहिए, इस तरीके से बराबर से चलाइए, छोड़िए नहीं, ये धीरे धीरे से ड्राई होता चला जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब से ही तो हम लोगों को सपोर्ट मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। और आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट भी करें, आप लोगों को कोई और भी रेसिपी चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी वीडियो बना कर डालने का। अब इसमें एक चुटकी अभी हल्दी का पाउडर डाल दी हूँ अलग से, इसके लिए मसाले में बहुत कम हल्दी डाली थी। अभी भूनने के समय में जब आप इसमें हल्दी डाल देते हैं तो ये मूंग दाल नमकीन का कलर बहुत ही प्यारा सा आता है, एकदम हल्का हल्का सा येलो येलो टाइप का, और हल्दी पाउडर अच्छे से पक भी जाता है साथ में भूनते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, दाल को भूनते हुए कम से कम हमारा 5 मिनट का समय चला गया है और देखिए दाल अब किस तरह से फूटना शुरू हो गया, देख रहे हैं कैसे दाल उछल रहा है इसके अंदर, देख रहे हैं, यानी कि दाल हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है। इसे थोड़ा सा और भूनना है, और आपको ये भी तरीका बताऊंगी कि आप कैसे समझेंगे कि आपका दाल भून चुका है और ये खस्ता हो चुका है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फुल वीडियो बना के मैं डाली हूँ फ्रेंड, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देख के समझ लेंगे और आपका भी मूंग दाल नमकीन 100% एकदम खस्ता ही बनेगा और खाने में बाजार के जैसा ही लगेगा। तो देखिए अब दाल में डाल देना है हमें थोड़ा सा घी, देखिए बस थोड़ा सा, इससे भी आधा आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। घी इसके लिए डाली हूँ क्योंकि इसमें तो तेल का कोई अंश है नहीं, तो जब तक आप इसमें थोड़ा सा चिकनाई नहीं डालिएगा तब तक जो आप इसमें मसाला डालिएगा वो मसाला मूंग दाल नमकीन के ऊपर चिपकेगा नहीं, यानी मसाला अलग रहेगा दाल अलग रहेगा तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को खाने में। इसके लिए थोड़ा सा इसमें घी डाल दीजिए हल्का सा, और घी डालने के बाद इसे अच्छे से भूनना है। सारे दाल के ऊपर घी अच्छे से लग चुका है, अब थोड़ा सा दाल आप प्लेट में निकाल के और अच्छे से ठंडा होने के लिए साइड में रख दें,
और जो दाल को आप ठंडा कर रहे हैं उसे थोड़ा सा खा के देखें, यदि खस्ता हो गया है ठंडा होने के बाद तो आप गैस को बंद कर दें और दाल को नीचे उतार लें। तो चलिए इसे नीचे उतार लेती हूँ, क्योंकि दाल को ठंडा करके टेस्ट की हूँ तो दाल हमारा बहुत अच्छे से खस्ता हो चुका है। अभी पैन गरम है और दाल भी गरम है, तो इसमें ही अभी मसाला डाल देना है। तो जो मसाला हमारा कच्चा था वो पक जाएगा इसके गर्माहट से, और इसका फ्लेवर जो है सारे दाल के अंदर चले जाएंगे। और हमारा मूंग दाल नमकीन होममेड है तो इसका टेस्ट भी वैसा ही बन के आएगा। बाज़ार वाले मूंग दाल में बस हल्का सा चाट मसाला और नमक डाला होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बन के तैयार है हमारे मूंग दाल नमकीन, घर में बना हुआ है, हेल्दी भी है, काफ़ी टेस्टी है। देखिए हल्का सा इसे हाथ से इस तरीके से क्रश कर रही हूँ तो कितना अच्छा से ये क्रश हो रहा है। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो आपको दिखाती हूँ कि ये कितना खस्ता बना है। इसके लिए एक चम्मच मूंग दाल नमकीन को लेके और इस खलबट्टे में डाल देती हूँ। यदि ये अच्छे से पका नहीं होगा, फिर अच्छे से ये खस्ता नहीं होगा, तो ये मूंग दाल नमकीन इसमें कूटेगा नहीं, वो पिस जाएगा। और यदि ये खस्ता बना होगा तो मूंग दाल नमकीन एकदम अच्छे से पाउडर हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको करके ये भी दिखा रही हूँ, तब आपको विश्वास होगा ना कि मूंग दाल नमकीन एकदम अच्छा बनता है, खस्ता बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे प्लेट में निकाली हूँ और देखिए, है ना, देखिए फ्रेंड्स, है ना, पाउडर के जैसा हो गया है। अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।